नागपुर शहर था सोने का और जादू का। दमयान ने पूरे शहर और सोनापुर वासियों को अपने कब्जे में कर लिया। दमयान, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जा धरती में कैद हो जा। और पूरा सोनापुर धरती के नीचे दब गया। 1000 साल बाद आखिर मैं कहाँ ले उस्तादू ढोलकपुर का बलवान। तुम तो अभी अभी चूरन सिंह से पिट के आ रहे हो, ज्यादा तो नहीं पीटा। अरे भीम से लड़ने आया हूँ। भीम आता है ना तो हवाओं का रुख बदल जाता है, बिजली खड़खड़ाने लगती है, एक भूकंप आने लगता है। सब कुछ उस भीम के लिए। अरे मैं क्या भीम से किसी बात में कम हूँ? सुना है चरण सिंह ने तुम्हें बहुत पीटा। इसे भी पता चल गया। ढोलकपुर की हर मुसीबत के सामने मैं दीवार बनकर खड़ा हूँ। ढोलकपुर में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कैसा संकट गुरुजी? दमयान श्राप से मुक्त हो गया। कांपेगी धरती, थर्राएगा इंसान, राज करने आएगा अब दमयान। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकते हो। भीम मेरा बेटा है, वो भागता नहीं, तुम जैसों को भगाता है। की जान बचाने के लिए अपनी जान को बेझिझक दांव पे लगा दे, ऐसा वीर बालक सदियों में एक बार पैदा होता है। मैं ढोलकपुर से ही शुरू करूंगा।